आज एक बार फिर डॉक्टर प्रभात कौशिक को अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है। जैसे कि हम पहले बात करते कर रहे थे चर्चा ए शिक्षा पे, उसी एपिसोड को आगे ले जाते हुए डॉक्टर कौशिक, सबसे पहले तो आपका हार्दिक स्वागत है हमारे स्टूडियो पे। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि लॉकडाउन के दौरान देर आर नो न्यूज़पेपर्स, कोई ज़रिया नहीं है इन्फॉर्मेशन का, तब 24 नेटवर्क एक अकलौता मीडियम है जो अपने चैनल के माध्यम से और अपने FM के माध्यम से लोगों तक अपनी आवाज़ पहुंचा रहा है। और जो बच्चों के हित में है हम वो प्रोग्राम्स कर रहे हैं, या जो जनता के हित में है हम वो प्रोग्राम्स कर रहे हैं, ताकि उनको अवेयरनेस भी हो और समय समय से उनको सारी जानकारी भी हासिल हो जाए। आज आपको खुशी होगी ये जानकर के कि हमारे जो रीच है FM का वो 57,000 लोग से भी से ज़्यादा है जो लोग सुन रहे हैं इस प्रोग्राम को, और ऑफ कोर्स चैनल पे तो देख रहे हैं काफ़ी समय से। सो व्यूअर्स, बहुत बहुत शुक्रिया इस चीज़ के लिए, और मैं चाहूँगी और आशा करती हूँ कि आप लोग ऐसे ही देखते रहें और सुनते रहें। सो डॉक्टर कौशिक, अपना ये जो चर्चा है हम आगे बढ़ाते हुए, लास्ट एपिसोड में आपने कहा था कि दिस टाइम वी विल टॉक अबाउट स्किल डेवलपमेंट। सो पहले आप बताएंगे कि व्हाट इज स्किल डेवलपमेंट। चित्रा जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे अपने चैनल पे आके और बच्चों और पेरेंट्स के साथ मुखातिब होने का मौका दिया जी। और मैं आशा करता हूं कि हमारे ये चर्चाएं शिक्षा के द्वारा हम बहुत सारे बच्चों को मदद कर पाएंगे अपने लाइफ को अच्छा करने के लिए, और यही हमारा सामाजिक ब्रॉड एम है कि बच्चे और समाज हमारा एक अच्छे रास्ते पर चलने लगे जी। किसी भी समाज का डेवलपमेंट तभी होता है जब उसमें नागरिक स्किल्ड हों। यदि नागरिक स्किल्ड नहीं है तो वो लाइबिलिटी बन जाते हैं, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट बन जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप ऑस्ट्रेलिया में जाइए, तो मेरी क्वालिफिकेशन सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पर्थ ऑस्ट्रेलिया से है, जिसमें मैंने ट्रेनिंग एंड असेसमेंट में हाईएस्ट डिग्री अचीव की थी। तो वहाँ हमें इसलिए भेजा गया था भारत सरकार के द्वारा और ऑस्ट्रेलियन सरकार के द्वारा, ये कोर्स मुझे कराया गया था, इसमें सारा खर्चा हमारा उन्होंने उठाया था। तो ये दिखाना चाहते थे वो हमको कि स्किल का क्या महत्व है, स्किल डेवलपमेंट का क्या महत्व है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में आप देखिए कि हमारे यहाँ जैसे प्लम्बर को एक छोटा सा भी कोई चीज ठीक करने आना होता है, हो सकता है आपका टैप 10,000 रुपए का लगा हो, मगर प्लम्बर की जो ट्रेनिंग है वो जीरो है। हो सकता है उसको खोलना भी नहीं आता हो, तो वो ग्रेट इंडियन जुगाड़ के हिसाब से उसको खोल के हो सकता है ठीक करने की कोशिश करें, हो सकता है खराब हो जाए। मगर आप ऑस्ट्रेलिया में देखें तो घर में प्लम्बर को घुसने से पहले उसका सर्टिफिकेट देखा जाता है कि इज ही सर्टिफाइड टू डील विद काइंड ऑफ इक्विपमेंट आई हैव इन माई हाउस। तो ये स्किल का डिफरेंस है। हमारे यहाँ बिना इलेक्ट्रिशियन का डिप्लोमा या डिग्री किए आपको हजारों इलेक्ट्रिशियंस मिल जाएंगे, बिना कोई कोर्स किए आपको हजारों प्लम्बर्स मिल जाएंगे, बिना कोई कोर्स किए आपको हजारों ब्यूटिशियंस मिल जाएंगे, कैमरामैन मिल जाएंगे, बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो हिट एंड ट्रायल से सीखते हैं। तो मैं इस पे ऑस्ट्रेलियन मॉडल पे आज फोकस करने की कोशिश करूंगा जी। क्योंकि मैं वहां से पढ़ के आया हूं और मैंने उसको समझा है और उसका फायदा भी मैंने देखा है जी। तो स्किल के पीछे, स्किल मींस व्हाट, स्किल मींस जो मैं कर रहा हूं क्या मैं उसको करने के लिए दक्ष हूं। सिंपल परिभाषा मेरे हिसाब से स्किल की ये होती है, मगर दक्ष होने के लिए कोई एक क्वालिफिकेशन होती है, कोई एक ट्रेनिंग होती है, कोई कुछ होता है। तो ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया, हमने आके सरकार को वो रिपोर्ट पेश की। ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया, मैं ड्राइविंग से उठाता हूँ जी। ड्राइविंग एक स्किल है, और हमारे यहाँ ड्राइविंग हम कैसे सीखते हैं, हिट एंड ट्रायल से। जब तक एक आध को ठोक ना दें, जब तक खुद कहीं एक आध जगह ठोक ना जाए, तब तक हमको ड्राइविंग नहीं आती है। चोरी चोरी पापा की बाइक निकाल के हम बाहर निकलते हैं और उल्टा सीधा गिरते गिराते हम बाइक चलाना सीख जाते हैं। कोई ड्राइविंग स्कूल में नहीं जाता, यदि जाते भी हैं तो वो संख्या बड़ी कम है, बहुत कम। आप शहरों में ड्राइविंग, कई शहर तो ऐसे मिलेंगे जहां ड्राइविंग स्कूल नहीं होंगे हिंदुस्तान में, वो फैसिलिटी भी नहीं है, वो भी एक कारण है। दूसरा, मैंडेट भी नहीं है सरकार की तरफ से। जैसे हम ड्राइविंग लाइसेंस तब इशू करेंगे जब किसी ड्राइविंग स्कूल का सर्टिफिकेट होगा, है ना। तो ये होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया कि स्कूल्स के अंदर ग्रेड 6 ऑनवर्ड्स बच्चों को
कीज टू लाइफ पढ़ाया जाने लगा। ऑस्ट्रेलिया, मैं आपको रिमाइंड करा दूं, हमारे देश से साइज में करीब डबल है और पॉपुलेशन उसकी हमसे 20% है। ऐसी सिचुएशन में बहुत वाइड रोड्स हैं, अच्छी रोड्स हैं, स्मूथ रोड्स हैं, ऐसे में वहाँ स्पीड बहुत ज्यादा है। सरकार ने क्या किया, वहाँ बहुत ज्यादा फैटेलिटीज रोड एक्सीडेंट्स की वजह से होती थी, तो सरकार ने क्या किया कि स्कूल एजुकेशन का पार्ट बना दिया ड्राइविंग को। ड्राइविंग स्किल एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स स्कूल एजुकेशन में ले लिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल सिक्स्थ ग्रेड में बुक वन ऑफ कीज टू लाइफ उनको दे दी जाती है, उसमें बच्चा नॉर्मल थ्योरी, नॉर्मल यू नो कार्टून वगैरह देख देख के थोड़ा सा ड्राइविंग के बारे में उसको इंट्रोडक्शन होता है। ट्वेल्थ क्लास में बुक सेवन ऑफ कीज टू लाइफ पढ़ाई जाती है, जो एक क्वालिफाइंग बुक है जी। उसको पढ़ने के बाद, उसमें पास होने के बाद स्कूल उसको एक सर्टिफिकेशन देता है, उस सर्टिफिकेशन के बेसिस पर उस बच्चे के पेरेंट्स के ड्राइविंग लाइसेंस में 5 additional points डाल दिए जाते हैं। वहाँ के ड्राइविंग लाइसेंस पॉइंट बेस है, अभी हमारे यहाँ भी कुछ ऐसा होने लगा है, तो 5 points ऐड कर दिए जाते हैं और एक पॉइंट का मतलब एक वायोलेशन का मतलब एक पॉइंट आपका रिड्यूस हो गया, तो मैक्सिमम 5 violations आप कर सकते हैं। सिक्स्थ वायोलेशन होते ही आपका जो पेरेंट का ड्राइविंग लाइसेंस था उसको कन्फिस्केट कर लिया जाएगा। और ये भी मैंडेट है कि फर्स्ट 6 months में जब बच्चा गाड़ी ड्राइव कर रहा होगा उस समय पेरेंट साथ में होना चाहिए जिसके ड्राइविंग लाइसेंस में वो पॉइंट्स ऐड किए गए हैं। स्कूल में देखिए कितना ऑर्गेनाइज काम किया, स्कूल में पहले थ्योरी पढ़ाई गई, स्कूल में ही प्रैक्टिकल कराया गया, स्कूल ने ही ड्राइविंग लाइसेंस में पॉइंट ऐड कराए, पेरेंट को मैंडेट किया कि 6 महीने आप साथ में बैठेंगे, इससे बच्चा भी सेफ और रोड पे चलने वाले दूसरे लोग भी सेफ। तो ये एक स्केल का मैं बहुत अच्छा एग्जांपल समझता हूँ। दूसरा, किसी भी कोर्स में किसी भी चीज को करने वाले को एक क्वालिफिकेशन लेनी होती है और उस क्वालिफिकेशन में पास होने के बाद ही उसको सर्टिफिकेट मिलता है कि आप जाके ये काम कर सकते हैं। अपने यहाँ हम सब हिट एंड ट्रायल मेथड से स्किल पा रहे होते हैं और उसकी बहुत कॉस्ट दे रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ड्राइविंग, हमारे यहाँ इतनी रोड पे अनफॉर्चुनेट डेथ्स होती हैं, क्यों होती हैं? क्योंकि हम ड्राइविंग का हमें ABCD कुछ पता ही नहीं है, हमने तो स्टीयरिंग पे बैठे चलाना शुरू किया, थोड़ा इधर उधर हुआ, थोड़ा सा हाथ सद गया, थोड़ा चलाना सीख गए और हम निकल पड़े और उसकी वजह से हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं। गडकरी जी ने इस पर काफी कुछ काम किया भी है और मैं आशा करता हूँ कि आने वाले टाइम में हमारे यहाँ भी ड्राइविंग पे फोकस किया जाएगा। दूसरे स्किल्स के बारे में जो बात करते हैं कि अब हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, ये तो एक एग्जांपल दिया मैंने आपको ऑस्ट्रेलिया का, हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, तो हम लोग को इसीलिए भेजा गया था कि हम देख के आए कि वहाँ क्या क्या कोर्सेस ऐसे हैं जो स्किल डेवलपमेंट करते हैं जी। उसके बेसिस पे अभी CBSE ने कुछ स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज निकाले हैं जिनको मैंडेट किया है कि वो क्लास में पढ़ाए जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपके लिए एक लिस्ट रीड करना चाहता हूँ, जो 6th to 8th के बच्चे हैं, इन बच्चों को कोर्सेज दिए गए हैं जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले टाइम का रॉ ऑयल है, क्रूड ऑयल है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी पैसे की चीज होने जा रही है। इसमें जिस बच्चे के पास स्किल्स होंगे वो बहुत बड़ा प्रोफेशनल और अच्छा प्रोफेशनल होगा, अपनी लाइफ को कंफर्टेबली जी सकेगा, क्योंकि आने वाला टाइम ज्यादातर चीजें माइग्रेट कर रही हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। दूसरा उन्होंने दिया है ब्यूटी एंड वेलनेस। पहले हम ब्यूटिशियन की बात करते थे, अब उन्होंने कहा ब्यूटिशियन का जो कोर्स है उसके साथ साथ वेलनेस को ऐड कर दिया, जिसमें फिजियोथेरेपी आ गया, जिसमें दूसरी तरह की थेरेपीज आ गई, स्पीच थेरेपी आ गई, तो टोटल वेलनेस को उसमें ले लिया गया और उसको आयुष मंत्रालय ने भी सपोर्ट दिया है। तो उस वेलनेस में आपका आयुर्वेदा या अल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ मेडिसिन, उन सबको भी, योगा, उन सबको लिया जाएगा। फिर उन्होंने एक कोर्स दिया है 6th to 8th के लिए डिजाइन एंड थिंकिंग, इसमें बहुत बड़ा स्कोप है, लाइफ में बहुत काम कर सकते हैं बच्चे इसका सर्टिफिकेशन लेने के बाद। और 6th में बच्चे को ये चीज सिखा दिया जाना अपने आप में बहुत मायने रखेगी, तो वो बड़ा होते होते जब स्कूल पास आउट होगा तो जरूरी नहीं है कि वो, यदि किसी हाल में किसी वजह से, फाइनेंशियल परिस्थिति की वजह से, पेरेंट्स की परिस्थिति की वजह से, यदि वो बच्चा अपनी हायर एजुकेशन को कंटिन्यू नहीं कर पाता है तो उसके पास एटलीस्ट एक जॉब करने का मौका हमेशा रहेगा। बिल्कुल।
एक बहुत अच्छी चीज, जैसे हम मैं बहुत सारे प्रिंसिपल्स को भी, बहुत सारे बड़े मैनेजर्स जनरल मैनेजर्स को भी मैं फाइनेंशियली इलिटरेट कहता था। आप गूगल करेंगे तो मुझे इस वर्ड को मेरे लेक्चर्स में काफी बार आपने सुना होगा, यू गाइज आर फाइनेंशियली इलिटरेट। सो फाइनेंशियल लिटरेसी का एक पेपर CBSE ने शुरू किया है। फाइनेंशियल लिटरेसी 6 to 8 में बच्चे को सिखा दी जाएगी। फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब यही नहीं कि मैं इतना कमा रहा हूँ, इतना खर्च करूँ या इतना बचा लूँ। फाइनेंशियल लिटरेसी आपको बैंकिंग कैसे करना है, आपको पैसा कमा के सेविंग कैसे करनी है, उस सेविंग को आगे बढ़ाना कैसे है, इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करना है, वो सारी चीजें आपको बच्चों को 6 to 8 क्लासेस में ही सिखा दी जाएंगी, जिसका बहुत बड़ा बेनिफिट बच्चों को होने वाला है। देन हैंडीक्राफ्ट्स हैं। आप देखिए, आज हैंडीक्राफ्ट्स का अपने आप में कई हजार करोड़ का मार्केट है, मगर हैंडीक्राफ्ट्स बनाना सिखाने की व्यवस्था नहीं है। अभी स्कूल्स इसको सिखाएंगे। देन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक कोर्स पढ़ाया जाएगा क्लासेस में। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी बच्चे को काफी अच्छा स्किल्ड वर्कर के तौर पर डेवलप करके स्कूल से बाहर निकालेगा। मार्केटिंग कमर्शियल एप्लीकेशंस, मार्केटिंग में भी बहुत जॉब्स हैं, कमर्शियल एप्लीकेशंस में भी बहुत जॉब्स हैं। यदि ये स्कूल लेवल पर बच्चों को सिखा दिया जाए तो बच्चे इसका फायदा लेटर लाइफ में उठा सकते हैं। आपके फील्ड से संबंधित भी एक कोर्स दिया गया है जिसको हम लोग मास मीडिया कोर्स कह रहे हैं। मास मीडिया कोर्स में मैं इस बात को कई साल से कह रहा हूँ, मतलब मैंने ये 2002 में एक नारा दिया था कि मीडिया लिटरेसी इज अ मस्ट। मीडिया लिटरेसी हमारे पास है ही नहीं। अब आप देखिए, आपके पास बहुत अच्छा एग्जांपल है कि मास मीडिया और सोशल मीडिया का मोदी जी ने अपने दोनों ही वर्जन्स में, Modi 1 and Modi 2 में कितना इफेक्टिव इस्तेमाल किया है। आज उसकी वजह से जनता भी करने लगी है। आज जूम क्लासेस भी तो आप उसी का पार्ट मानेंगे, आप जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर जो क्लासेस हो रही है, बच्चे घर बैठे पढ़ पा रहे हैं, वो भी तो उसी का पार्ट मानेंगे। और लास्ट उन्होंने दिया है ट्रैवल एंड टूरिज्म। ट्रैवल एंड टूरिज्म में हिंदुस्तान में बहुत बड़ा स्कोप है। करोड़ों लोग यहाँ हर साल आते हैं, मगर उनको ट्रेंड गाइड्स नहीं मिलते, उनको ट्रेंड ड्राइवर्स नहीं मिलते, उनको अच्छे होटल्स में काम करने वाले लोग नहीं मिलते। इन सब चीजों को यदि डेवलप कर दिया जाएगा तो मैं मानता हूँ कि हमारे बच्चे अपनी लाइफ को बेहतर स्तर पर जी पाएंगे और अपनी जीविका कमा पाएंगे। तो ये लिस्ट थी दोस्तों 6 to 8 के बच्चों के लिए। आप बीच में कुछ पूछना चाह रहे हैं? यही मैं बोलना चाह रही थी कि ये बहुत ही मतलब सिक्स्थ इज वेरी बेसिक ही है, बच्चे बहुत छोटे होते हैं। सो क्या कारण था दैट सिक्स्थ क्लास से ही ये इंट्रोड्यूस कर दिया गया? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, और ये पेरेंट्स और आपके व्यूअर्स को समझने की बड़ी आवश्यकता है। इसको बच्चे को डिस्करेज ना करें कि तू तो अभी सिक्स्थ में ही है, ट्रेवल टूरिज्म क्या सीखेगा, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या सीखेगा, मास मीडिया क्या सीखेगा। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि लर्निंग जितनी जल्दी होती है एज के हिसाब से, उतनी ही परमानेंट होती है, उतनी ही सॉलिड होती है, उतनी ही ज्यादा काम आती है। तो सिक्स्थ को इसीलिए चूज किया गया है कि इस समय बच्चे का जो दिमाग है वो एक ब्लैंक स्लेट के आसपास का होता है, उसमें कुछ बहुत ज्यादा उल्टी सीधी चीजें नहीं भरी होती हैं। इस समय बच्चे को यदि एक लाइन मिल गई उसके इंटरेस्ट की तो वो बच्चा बहुत कुछ कर पाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यहाँ एक फैक्ट्री है अक्ष ऑप्टिफाइबर, वहाँ CS गुप्ता जी हेड हैं, वो मेरे दोस्त हैं। उनको हमने एक बार रिक्वेस्ट किया था हमारे बच्चों को अपनी फैक्ट्री विजिट कराने का। बच्चे जब फैक्ट्री विजिट करके लौट के आए तो बच्चों के पास इतने ज्यादा आइडियाज थे कि जो गुप्ता जी की फैक्ट्री में बन रहा है वो तो हम भी बना सकते हैं, तो और हम सीखना चाहते हैं कि ये कैसे बने। तो सी, यही चीजें हैं। तो मैं क्यों ये फैक्ट्री का मैंने एग्जांपल दिया, इन 6 to 8 के बच्चों को हम लोग फैक्ट्रियों में ले जा के फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन देंगे, फर्स्ट हैंड नॉलेज देंगे, दिखाएंगे उनको कि ये चीज पर्टिकुलर आइटम कैसे बन रहा है, और उनके फील्ड से रिलेटेड जो कोर्स उन्होंने चूज किया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप हमारे लिए बहुत मददगार साबित हो सकते हैं, जब हम मास मीडिया का कोर्स स्कूल्स में करा रहे होंगे तो बच्चे आपके पास आके बहुत कुछ सीख सकते हैं। ऐसे ही हम अलग अलग तरीके के लोगों को अप्रोच करेंगे। सरकार की मंशा है, ये मैं बता देना चाहता हूँ, सरकार की मंशा है कि बच्चे को वो पढ़ाया जाए जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट हो। हम पढ़ा वो रहे थे अभी तक जो कि इंडस्ट्री और एजुकेशन के बीच में कोई कनेक्ट नहीं था। आज हम जाएं
इंडस्ट्री में इंडस्ट्रियलिस्ट को पूछें कि आपको किस तरह का वर्कफोर्स चाहिए, वो हमको बताएं, उसके हिसाब से करिकुलम बनाया जाए, उसकी पढ़ाई कराई जाए, उसकी ट्रेनिंग कराई जाए और उन बच्चों को उस इंडस्ट्री के टच में रखा जाए ताकि वो बच्चे आसानी से उस स्किल को पा सकें और उनको जॉब रेडी हो। अच्छा डॉक्टर, आई आल्सो वांट टू नो कि ये क्या मोड ऑफ टीचिंग होगा इसका? इसमें आप मान के चलिए जो मोड ऑफ टीचिंग है वो इसमें 50 मार्क्स का पूरा कोर्स होगा जी। ये सारे कोर्सेज के लिए 12 घंटे दिए जाएंगे, टोटल 12 घंटे में हम ये कोर्स बच्चे को सिखाएंगे। एक प्रैक्टिकली एक कोर्स हम 12 घंटे अलॉट करेंगे हमारे टीचिंग पीरियड्स में, उन 12 घंटे में इन बच्चों को वो कोर्स सिखाया जाएगा, एक कोर्स, और एक क्लास का एक बच्चा एक ही कोर्स चूज करेगा। अभी पूरे 9 कोर्सेज को चूज नहीं करेगा, अच्छा। वो एक कोर्स को चूज करेगा, उस एक कोर्स को स्कूल में लैब होगी, वहाँ 12 आवर्स में उसको सिखाया जाएगा और उसका जो इवेल्युएशन होगा जी। उसको भी बड़ा ब्यूटीफुली डिजाइन किया गया है कि उसके 15 मार्क्स तो थ्योरी के होंगे, ओनली 15 मार्क्स थ्योरी के होंगे और 35 मार्क्स प्रैक्टिकल के होंगे। इसका मतलब यहाँ भी हमने जोर दिया है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के ऊपर, तो 15 मार्क्स थ्योरी के, 35 मार्क्स प्रैक्टिकल के, एक बच्चा एक कोर्स ले सकता है और या स्कूल सभी पूरी क्लास के बच्चों को एक कोर्स दे सकते हैं और उनको पढ़ा के और इस इंडस्ट्री से अलाइन करके, जैसे फॉर एग्जांपल यदि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसी बच्चों ने कोर्स ली है तो बच्चों को स्कूल्स उन जगहों पर लेके जाएंगे जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इंडस्ट्री है, कोई काम हो रहा है कंप्यूटर का, आईटी का कोई डिपार्टमेंट है, वहां ले जाएंगे और उनको सिखाएंगे और क्लास में भी थ्योरी पढ़ाएंगे और उसके बेसिस पे उसका इवैल्यूएशन आउट ऑफ 50 मार्क्स होगा। तो डॉक्टर, देयर कैन बी सम कंफ्यूजन, जैसे कोई बच्चा दो कोर्स या तीन कोर्स या यू नो दे गेट अट्रैक्टेड टू कोर्स, तो कैसे पहले टीचर्स जो हैं वो थोड़ा सा ब्रीफ आउटलाइन बच्चों को समझाएंगी दैट इस पर्टिकुलर कोर्स में ये होता है, हाउ विल अ चाइल्ड, बिकॉज एज आई टोल्ड यू 6 क्लास छोटी उम्र भी है तो वो कैसे चूज करेंगे अपना कोर्स? इसका मॉडस ऑपरेंडी मैं प्रिंसिपल्स को, क्योंकि आपका प्रोग्राम प्रिंसिपल्स भी देखते हैं जी, जी। और कई एक प्रिंसिपल्स को हो सकता है अभी उतना पता ना हो, मैं प्रिंसिपल्स को भी, स्कूल टीचर्स को भी और पेरेंट्स को भी आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि इसमें चॉइस बच्चे की होगी और इसमें पार्टली चॉइस पेरेंट की होगी, अच्छा। और फाइनल चॉइस स्कूल की होगी। रीजन बीइंग कि स्कूल को अपने पास अवेलेबल फैसिलिटीज को भी देखना होगा जी। आप बच्चों को ओरिएंटेशन देंगे जिसमें पेरेंट्स भी साथ में होंगे, तो पेरेंट, टीचर्स, प्रिंसिपल एंड बच्चे आपस में ओरिएंटेशन करेंगे और उस पर्टिकुलर कोर्स के बारे में बताएंगे कि कितना कुछ इस कोर्स में किया जाना है, कैसे किया जाना है और इस कोर्स को करने के बाद आपके बच्चे को लाइफ में अपना जीविका कमाने के लिए क्या फायदा मिलना है। तो मल्टीटास्किंग वर्कफोर्स वैसे भी चाहिए हिंदुस्तान को, क्योंकि हमारी मैन्युफैक्चरिंग चाइना ने काफी हद तक ओवरटेक कर ली थी जी। अभी सरकार का एम ये है कि हमारी जो चाइनीज डिपेंडेंस है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपने देखा होगा पैरासीटामोल हिंदुस्तान में कम बन रही थी क्योंकि पैरासीटामोल का जो पाउडर है वो चाइना से आता था जी। तो उस डिपेंडेंस को ये सरकार खत्म करना चाहती है, इसीलिए कैच देम यंग पॉलिसी सरकार ने रखी है कि हम 6th में ही बच्चे को पकड़ लें और उसको इस तरीके से एजुकेट करें कि उसके ऊपर कोई भार भी ना पड़े, कोई उसके ऊपर अननेसेसरी का स्ट्रेस भी ना हो और वो खेल खेल में सीख जाए। इसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, नीति आयोग ने अटल टिंकरिंग लैब करके एक कॉन्सेप्ट बनाया जिसमें 25 लाख रुपया नीति आयोग एक स्कूल को दे रहा है जो सेलेक्टेड स्कूल है, उसके कुछ पैरामीटर्स हैं, उसके बेसिस पर स्कूल को सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद में उस स्कूल को पैसे देते हैं और लैब बनाते हैं। तो वो कहते हैं करीब 1500 स्क्वायर फीट एरिया दीजिए और सारी फैसिलिटी दीजिए और उसमें हम सारे इक्विपमेंट देंगे, आप अपने 6th ऑनवर्ड्स बच्चों को सिखाइए। अब आपको मैं इससे, इस स्किल सेट से जोड़ते हुए मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि हमारे स्कूल में पहला अटल टिंकरिंग लैब सरकार ने एस्टेब्लिश किया और वहां बच्चों ने बहुत सारे आइटम्स ऐसे बना दिए जो ऑटोमेटेड हैं, जो सेंसर बेस्ड हैं, जो रोबोट्स हैं। अभी एनुअल फंक्शन में बच्चों ने रोबोट्स बनाए और रोबोट्स ने
हमारा क्राउड मैनेजमेंट किया, या जो चीफ गेस्ट हमारे स्टेज पे थे उनको मालाएं दी या बुके दिए, तो ये 6th, 7th, 8th के बच्चों ने किया। इसका मतलब इस एग्जाम्पल से ये क्लियर है कि जब UCSKM स्कूल के 6th, 7th, 8th के बच्चे इतना बड़ा काम कर सकते हैं, जो ईट डस्टबिन बना रहे हैं, जो रोबोट्स बना रहे हैं, जो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स बना रहे हैं जहां ह्यूमन की रिक्वायरमेंट नहीं है, अपने आप ऑटोमेटिक काम हो पा रहा है, तो कुछ भी किया जा सकता है। अभी हमारे बच्चों ने वो टेम्परेचर वाला जो गन है वो बनाया है, टेम्परेचर गन से दूर से टेम्परेचर लिया जा सकता है। तो ये किसने बनाया? ये बच्चों ने बनाया। और ये कौन सी क्लास के बच्चे हैं? 6th, 7th, 8th के बच्चे हैं। तो मैं मानता हूँ कि ये जो 9 स्किल सेट्स जो दिए गए हैं 6th, 7th, 8th के लिए, बच्चे इसको बहुत आसानी से कर पाएंगे। मैं अपने पर्सनल अनुभव के आधार पर आपको ये बता रहा हूँ। डॉक्टर, इसी के साथ हम ये एपिसोड यहीं पे समाप्त करते हैं, और अगले एपिसोड में हम 9th और 10th के बारे में, उनके कोर्सेज के बारे में बताएंगे, एंड वी कैन डिस्कस। सो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू चित्रा जी, मुझे आपने मौका दिया। और आप हमारे को यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, हमारे को FM पे भी सुन सकते हैं। लॉकडाउन के दौरान मैं आशा करती हूँ कि आप लोग सब अपने घर में बने रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। धन्यवाद।